पिशाच और वैम्पायर्स ये कुछ ऐसे ही नाम हैं जिसके नाम को हम बचपन से सुनते आए हैं। ये कुछ ऐसे जीव हैं जो हमारा बीच में ही रहकर हमारा ही खून पीते हैं और हमारा खून के साथ ही जिंदा रहते हैं। इन लोगों के पास कुछ शैतानिया शक्ति भी होती है जिसकी वजह से वो इंसानों को अपने नियंत्रण में लाकर उन लोगों के मार कर उनका खून पी जाते हैं। इन लोगों देखने में तो साधारण इंसान की तरह लगते हैं, लेकिन इन लोगों को असली पहचान रात में मिलते हैं। वो रात होते ही एक खूंखार दादा में परिवर्तन हो जाते हैं और निकल जाते हैं आम इंसान की तलाश में। ये कहानी बहुत ही पुरानी है। एक राजा था जिसका नाम था टाकोला और वो बहुत ही खूंखार था। वो कुछ भी छोटे से छोटे दोस्त को नहीं छोड़ता था, वो उन सबको मार डालता था। इस तरह उसका नाम टाकोला पड़ा, लेकिन उसको उसके राजा लोगों ने उसकी ही विरुद्ध जाकर उसको मार डाला। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोची नहीं। वो ड्रैकुला फिर से रिटर्न आ गया और वापस आकर वो अपना बदला ले लिया। वो एक एक करके वो सबको मारने लगा जो लोग उसका हत्या करने थे। और इस तरह शुरू हुआ एक वैम्पायर्स और ड्रैकुला की कहानी जो आज तक भी बरकरार